कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआ और तौबा के कबूल होने की निशानियाँ क्या हैं? भाई ने सवाल किया कि दुआ और तौबा के कबूल होने की निशानियाँ क्या हैं। तो देखिए पहले दुआ ले लेते हैं। दुआ के कबूल होने की तीन शक्लें हदीस में आती हैं। दुआ तीन शक्लों में कबूल होती है, तीन शक्लें, ठीक। एक अलामत, एक में पता चलेंगी, दो में अलामत पता नहीं चलती है। तो दुआ कबूल करने की देखा है तो एक ही अलामत है, फिर बाकी दो अलामतें पता नहीं चलती। शक्लें तीन हैं, लेकिन पहली शक्ल दुआ कबूल होने की ये है, जो मांगा वो मिल जाता है। तो आपने जो मांगा मिल गया, ये अलामत है कि आपने जो मांगा मिल गया, दुआ कबूल हुई। जो मांगा मिल जाता है, ये पहली शक्ल दुआ कबूल होने की अलामत भी है कि दुआ आपकी कबूल हो गई। दूसरी चीज जो अलामत तो नहीं है लेकिन समझ सकते आप समझना चाहे तो, लेकिन ये कबूल होने की एक शक्ल है, वो ये है, जो मांगा वो कबूल नहीं हुआ लेकिन उसके बराबर एक मुसीबत अल्लाह ने टाल दी। अभी समझने वाला बंदा समझ जाए तो ठीक, वरना नाशुक्र बंदा तो रोता ही रहेगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। दुआ की कबूल होने की पहली कंडीशन, पहली शक्ल ये है, सूरत ये है कि जो मांगा वो मिल गया, ये तो पता चला, अलामत भी होगी कि आपने जो मांगा था मिल भी गया। दूसरी अलामत जिसको, दूसरी कंडीशन दुआ कबूल होने की दूसरी शक्ल ये है, जो मांगा वो नहीं मिला, उसके बराबर किसी मुसीबत को अल्लाह ताला ने टाल दिया। इसको भी आप अलामत भी ले सकते हैं, कोई मुसीबत टल गई तो आप ये सोच सकते हैं, अरे मैंने ये मांगा था, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुसीबत टाल दी, ये दूसरी होगी, समझे। और अलामत भी बोल सकते हैं आप, या फिर अलामत नहीं भी समझो तो दूसरी शक्ल है। और तीसरी दुआ कबूल होने की शक्ल क्या मानूं आपको? रोजे क़यामत बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा, अपने नामे आमाल देखेंगे तो कहेंगे ये और नेकी तो मैंने कभी की नहीं दुनिया में, लेकिन नामे आमाल में लिखी है। तो बंदे से कहा जाएगा, ये वो दुआएं थी तेरी जो तू किया करता था, दुआएं तो कबूल नहीं हुई, बदले में आज नामे आमाल में अजर दे दिया गया। बंदा कहेगा, हाय अफसोस, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती, क्योंकि जो बदले मिलेंगे ना, रिवॉर्ड उसके बदले वो इतने हैवी और ज्यादा होंगे कि बंदा बोलेगा कोई कबूल ना होती बेचारा। तो अलामत तो एक ही है, जो मांगा वो मिल गया, बाकी शक्लें तीन है कबूल होने की, जो मांगा मिल गया, जो मांगा वो नहीं मिला उसके बराबर। जैसा कोई आदमी औलाद मांग रहा, औलाद मांग रहा, औलाद नहीं मिल, लेकिन हो सकता है अल्लाह वो दुआ नहीं सुन के औलाद के बदले उसकी जिंदगी उसको देते जा रहा है, उसको मुसीबतों से हटाते जा रहा है, होता है ऐसा, समझिया। और तीसरा आखिरत में बदला, ये तीन शक्लें हैं और एक अलामत यह है कि कबूल। अब तौबा कबूल होगी, इसकी अलामत क्या है कि भैया आदमी की क्या निशानी है कि पता चले हाँ हाँ तौबा कबूल होगी? तौबा कबूल होने वाले की पहली निशानी और अलामत ये होंगी कि उसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, वो उस गुनाह को दोबारा नहीं दोहराएंगे, समझा। ये तौबतुन नसुहा थी, जब उसने मांगी तो उसने कंडीशन पूरे किया, रब्बुल इज्जत भी, जब बंदे ने कंडीशन पूरे किया तो रब भी अपना बदला, अपना वादा पूरा करेंगे। तय इंसान के लिए कंडीशन क्या है? गलती से गुनाह कर लिया, गुनाह पे इसरार नहीं किया, गुनाह हो गया तो फौरन तौबा कर लिया, तो आपने वो काम कर लिया, और गुनाह हुआ तो वापस रिपीट नहीं किया, तो आपने तौबा की, दोबारा वो गुनाह नहीं किया, तो आपने कंडीशन पूरी की तौबा की। तो रब्बुल इज्जत, जब आप बंदे ने कंडीशन पूरी की तो अल्लाह के लिए वाजिब और ज़रूरी है कि बंदे को वो दे जिसका उसने वादा किया। तो आपकी और मेरी सच्ची तौबा की अलामत ये होंगी, वो गुनाह इंशाल्लाह हम दोबारा नहीं करेंगे, हालांकि हमसे गुनाह मौतक होते रहेंगे, वो गुनाह, वो पर्टिकुलर गुनाह अब नहीं होंगे, समझा। किसी को झड़क के बात कर दिया था, अल्लाह मेरे से गलती हुई, उससे भी माफ़ी मांगा, फिर आइंदा झड़क के बात करना आपने छोड़ दिया, ये थी आपकी तौबा और कबूल हुई है, ठीक। इसलिए कि जब बंदे ने शर्त पूरी की तो अल्लाह भी अपने तरफ से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलों में एक बात ज़रूरी है, चाहे दुआ का मामला हो, चाहे तौबा इस्तग़फ़ार का, या किसी मसले का मामला हो, तौहीद परस्त होना और सुन्नत के मुताबिक अमल करना खालिस नीयत से, ये कंडीशन हर जगह लागू है बाय डिफ़ॉल्ट। तौहीद परस्त होना, सुन्नत के मुताबिक अमल किया होना और इखलास के साथ होना, ये कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट लागू होते हैं हर चीज़ में, याद रखिए, समझा। तो फिर तौबा, तो फिर दुआ, तो फिर सारी चीज़ें कबूल होती, याद रखिए, नमाज, रोज़ा, सब, ये बात जहन में हमेशा याद रखें, ठीक। तो बहरहाल, तो अगर ये हमने दोबारा ना किया तो समझ जाइए हमारी तौबा कबूल हुई अल्लाह ताला की, क्योंकि हमने कंडीशन पूरी की, रब्बुल इज्जत भी फिर अपने तरफ से जो वादा किया वो अपना वादा पूरा करता है कि बंदों को माफ़ करता है जब बंदे उसके मुताबिक, उसके कहे के मुताबिक बुरे अमाल को छोड़ देते हैं। तो दुआ कबूल होने की बात यह है कि जब हो जाती है पता चलता है अलामत, और तौबा की अलामत यह है कि हम इंशाल्लाह वो गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे। किसी ने एक सवाल